इसके बारे में कोई भनक नहीं थी हमें। बेगम की मम्मी बोलती है, आपकी बेटी को तो पता है और आपको नहीं पता, ऐसा हो सकता है? घर में सारी बातें होती हैं, आप ना जानो। सभी लोग मुंह दिखाई में आए हुए लोग भी दिख रहे होते हैं। मैं ही हाथ जोड़कर बोलती है, आंटी जी प्लीज मेरी नानी जी को कुछ मत कहिए, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। वो क्या इस रिपोर्ट के बारे में, कोई भी घर वाला कोई भी कुछ नहीं जानता है, ना ही किसी को पता है। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं मेहमानी बन सकती हूँ। वहीं आंटी कहती है, पहले क्यों नहीं बताया तुमने, मेरी बेटी की लाइफ क्यों बर्बाद कर दी? और हलीम बोलती है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी एकम से शादी करने की, नहीं मैं करने वाली थी, आप सभी ने मिलकर मेरी एकम से शादी करवाई। और वहीं पनाज खुश हो जाती है और मन मन मुस्कुरा रही होती है, हाथ जोड़ के कहती है, हरली आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपको दुख पहुंचाने का, और ना ही मैं सोच सकती हूँ किसी को दुख पहुंचाने के लिए। वहीं बनाने से बहुत ही रो रही होती है। वहीं पर दिखाया जाता है इनकी मम्मी को, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं ये न्यूज़ सुनकर। और हरली हाथ जोड़ के खड़ी होती है और अपनी गलती की क्षमा मांग रही होती है।